As you all know, we are going to introduce our speakers, eminent speakers, on the topic standard operating procedure for reopening of special schools. When it comes to schools, there are lots of talks and lots of conceptions about what is going to happen. क्या होने जा रहा है आगे आने वाले समय में. जब स्कूल्स की बात आती है तो कुछ ऐसा ही चलता है और हर किसी के मन में तरह तरह की भ्रांतियां आती हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं और तरह तरह के जवाब हम फिर खुद से ही ढूंढने लगते हैं, खुद में ही ढूंढने लगते हैं या फिर अपने पड़ोसी से पूछ लेते हैं कि आखिर क्या होगा. ये अनिश्चितताएं जो हैं अभी, इनका अनसर्टेनिटीज का अभी किसी को पता नहीं है कि गवर्नमेंट के रूल्स किस तरह से आएंगे और किस तरह से हम कल के दिन में ये स्कूल्स को ओपन करने वाले हैं और हमारे जो स्कूल्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासकर जिनके लिए हम हैं, जितने भी टीचर्स, स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स हैं, कैसे उनको रिसीव करने वाले हैं. हाउ वी ऑल आर गोइंग टू रिसीव देम, रिसीव आवर स्टूडेंट्स जिनके जिनसे हम काफी दिनों से दूर हैं इस कोविड 19 की वजह से. कहते हैं कि जो समय होता है और जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत कुछ सिखा जाती हैं. कुछ ऐसा ही अगर देखें तो इस दौर में हमने सीखा है, हम सभी ने सीखा है, चाहे वो घर की बात हो, चाहे बाजार की बात हो या फिर हमारे ऑफिस की बात हो और या स्कूल की बात हो. आज जिस खास विषय पर हम बात करने वाले हैं और जो हमारे एमिनेंट स्पीकर्स आपके बीच आने वाले हैं इन सब बातों को लेकर, वो है स्कूल्स में भी एक अलग से, यानी कि स्पेशल स्कूल्स. व्हाट आर द डिजायरेबल थिंग्स एंड व्हाट आर द प्रिपरेशंस, व्हाट आर द प्रिपरेशंस वन शुड डू और वन शुड प्रिपेयर टू रिसीव देयर स्टूडेंट्स, दोज हु आर स्टडीइंग इन स्पेशल स्कूल्स और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. किस तरह से उनको स्कूल खुलने के बाद हम रिसीव करने वाले हैं, उनका स्वागत करने वाले हैं और किस तरह की तैयारियां हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेटिंग जो है वो प्रोसीजर्स क्या होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे. क्योंकि आज जो ज्यादा चर्चा चल रहा है, एक तरफ चल रहा है इम्यूनिटी बूस्टिंग जो कि सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है इस वक्त, और दूसरा जो चल रहा है वो है सोशल डिस्टेंसिंग. क्या संभव है स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग बना पाना? अगर स्कूल्स में बन भी जाता है तो क्या संभव है स्पेशल स्कूल्स में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना? इन सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे बीच में कुछ ही देर बाद जो आज के एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो, क्योंकि मैं बाद में आपको सबसे इंट्रोड्यूस करता चला जाऊंगा, श्री कमलबीर सिंह जग्गी सर होंगे जो कि प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च NIEPVD देहरादून. उसके बाद हमारे बीच होंगे डॉक्टर जसमेर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ICTC CVH NIEPVD और डॉक्टर एस के धालोवाल, सुरेंद्र कुमार धालोवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी NIEPVD देहरादून. और हमारे एमिनेंट स्पीकर होंगे श्री अमित शर्मा, वाइस ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल MSBH. तो इन सबको आज हम सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं कि किस तरह से जो तैयारियां की जानी चाहिए एक जो स्पेशल स्कूल्स है वहां पर. आप सभी से बीच में फिर और एक बार गुजारिश कर रहा हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट में रखें ताकि हमारे जो स्पीकर्स हैं आज, जिनसे हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ सुनने वाले हैं, उनको हम सही से सुन सकें और उनकी बातों पर फिर हम कर सकें. मुझे पता है इस प्लेटफॉर्म पे सो इट इज माई हम्बल ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल दोज हु हैव जॉइंड अस फॉर दिस वेबिनार, दिस प्लीज पुट योर माइक्रोफोन्स ऑन म्यूट मोड सो दैट वी कैन और यू कैन लिसन आवर एमिनेंट स्पीकर्स. एमिनेंट स्पीकर्स विथ कन्वीनियंट और केयरफुली. इसके बाद हम जैसे ही वेबिनार में आगे जाएंगे, क्योंकि वो समय आने वाला है जब हम इसका श्री गणेश करने जा रहे हैं और आज की जो हमारी स्थिति बनी हुई है कोविड 19 की, ये किसी से अपरिचित नहीं है और ना ही कोई इससे अपरिचित है. जब अनिश्चितताएं होती हैं और जब बातें अनसर्टेनिटी के आ जाती हैं तो हमें तैयारियां बहुत ज्यादा करनी पड़ती हैं और उन्हीं तैयारियों के साथ में आज हमारे बीच जो हम बात करने वाले हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर रीओपनिंग ऑफ स्पेशल स्कूल्स.
ये वेबिनार जब इसको डिजाइन किया गया और जब चर्चा में आया कि हमें इस तरह का वेबिनार एक वेबिनार करना है तो सबसे पहले हमने ये लिया। तो चलिए पहले आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वेबिनार में, जितने भी यहां पर आज हमारे साथ हैं, ऑल द रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स दोज हु हैव जॉइंड अस फॉर दिस वेबिनार। इसी के साथ मैं आज का वेबिनार का श्री गणेश करते हुए आज के वेबिनार का श्री गणेश करते हुए मैं अभी आमंत्रित करने जा रहा हूं अपने NIPVD संस्थान के डायरेक्टर निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास सर को, जो कि अपने वचनों से, जो कि अपने मुखरबिंदु से हमें संबोधित करने वाले हैं और साथ ही इस वेबिनार का श्री गणेश करने का एक हमको संकेत देने वाले हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर ऑनरेबल डायरेक्टर NIPVD डॉक्टर हिमांशु दास सर। सर नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने का, और इस वेबिनार में जितने लोग देश के अनेक प्रांत से जुड़े हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं। आप सबको आमंत्रित करता हूं मैं इस वेबिनार के जरिए जितना हो सके आपस में एक दूसरे की भलाई करने की कोशिश करें। हम चाह रहे हैं कि आने वाला सालों में हम आप सबके साथ बहुत अलग तरीके का एक जोड़े, जितने भी हमारे साथ प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, टीचर ट्रेनर्स और टीचर्स कोऑर्डिनेटर्स सब लोग जुड़े हैं, हम चाहेंगे ये मजबूत हो। और एक राष्ट्रीयता के हिसाब से मैं चाहूंगा इस गठबंधन को हम एक अलग रूपरेखा तक ले जाएं, और इस गठबंधन के जरिए हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे बच्चों को हमारे डिसिप्लिनिंग सिस्टम हो, चाहे बच्चों का टीचिंग लर्निंग मटेरियल मुहैया कराने का सिस्टम हो, बच्चों को पढ़ाने की सिस्टम हो, बच्चों का एग्जामिनेशन सिस्टम हो, इवेल्युएशन सिस्टम हो, करिकुलम ट्रांजेक्शन का सिस्टम, हर प्रकार का सिस्टम, सब आपसे अनुरोध है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म को हम एक अलग प्रकार का मुहिम दे जिसमें बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन, और हर हफ्ते हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर एक दूसरे के लर्निंग के ऊपर इन्वॉल्व कर सके, जिसमें देश में जितने भी हमारे दिव्यांग, ब्लाइंड और लो विजन वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको हम मॉडर्न और बेस्ट सर्विस जो भी देश के कोने कोने में चल रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो देश के कोने कोने में है, वो सारे प्रैक्टिसेस हम अपने बच्चों को दे सके। आज का ये टॉपिक हमने इसलिए चुना है क्योंकि आज नहीं तो कल बहुत ही जल्द हमें शायद ऑर्डर आने वाली है, और हमारे जितने भी स्कूलें हैं, रेसिडेंशियल स्कूल और डे केयर स्कूल, ये स्कूल हमारे शुरू होने वाली है। अब जो शुरू होगी नॉर्मल बच्चों के स्कूलों के लिए, आम बच्चों की स्कूलों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, किस तरीके से एक स्कूल खोलना होगा, उनका किस तरीके से व्यवस्था करनी होगा, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगे। रही बात हमारे दिव्यांग बच्चों के जो स्पेशल स्कूल होंगे, वो मानसिक मंद बच्चों के लिए अलग टाइप का स्कूल होगा, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए अलग स्कूल, विजुअल इम्पेयर्ड के लिए अलग स्कूल, सात आठ अलग अलग टाइप के स्पेशल स्कूल होंगे। तो हम इस उम्मीद में नहीं है कि गवर्नमेंट हमें प्रोटोकॉल बना के देंगे हमें स्कूल कैसे खोलना होगा, हम इस उम्मीद में है कि हम सब लोग आपके साथ मिलके हम लोग खुद अपना प्रोटोकॉल बनाएं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएं, जिससे हम बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर सके। मैं चाहूंगा इस वेबिनार के जरिए आप सब लोग मिलके, हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं और इसके आने वाले दिनों में भी, आप लोग अपने कॉमेंट में हमें लिंक भेजिए, आप कॉमेंट करिए, आप हमारे साथ फोन पे भी जुड़ सकते हैं। हम चाहेंगे कि बच्चों के ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम चर्चा करें, बच्चों को जो असिस्टेड मोबिलिटी करनी पड़ेगी COVID-19 को ध्यान में रखते हुए, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। बच्चों के काफी बच्चे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होते हैं, फिजिकल डिपेंडेंट होते हैं, तो असिस्टेड ADL के ऊपर हम लोग प्रोटोकॉल के ऊपर चर्चा करें। करिकुलम, जब बच्चे हमारे 4-5 महीने से मान लीजिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, स्कूल के सिस्टम से बाहर है, टीचरों से बाहर है, मैक्सिमम जगह ऑनलाइन शिक्षा भी हो नहीं रही है, ऐसे हालत में क्या हम स्कूल खोल देने से ही बच्चे क्या पढ़ाई में आगे पहले जैसा शामिल हो पाएंगे, या उसके लिए पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भी क्या हमें अलग प्रकार का कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम एक लागू करना पड़ेगा, क्योंकि 5 महीने बाद बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। शिक्षक के लिए भी सेम है, कई शिक्षक है 4-5 महीने से तो घर में बैठे हुए हैं या कोविड से वो खुद परेशान है, ऐसे हालत में क्या वो खुद शिक्षक तैयार है बच्चों को पूरी पूरी जोश के साथ पढ़ाने के लिए।
टीचिंग लर्निंग के जो प्रोसेस होंगे हमारी हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर पहले हम लोगों ने बहुत कम जोर दिया था, बात तो करते थे लेकिन हकीकत में जो ग्रास रूट लेवल में देखते हैं बच्चों के पास या फिर तो हार्डवेयर नहीं या फिर तो सॉफ्टवेयर नहीं या फिर तो इंटरनेट नहीं या फिर तो बिजली नहीं, किसी न किसी वजह से हम ICT के ऊपर भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो COVID-19 ने हमें सिखाया कि भाई नहीं, ICT के बगैर जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बगैर जो है शिक्षा आगे ले जाने में शायद मुश्किल होगी। तो ये विभिन्न पहलू के ऊपर मैं चाहूंगा कि हम लोग चर्चा करें और इन सभी पहलुओं को लेके किस तरीके से हम बच्चों की शिक्षा को बरकरार रखते हुए या पहले से भी बेहतर आगे की स्तर में ले जाने की हम लोग कोशिश कर सके। इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया। आने वाले दिनों में हम चाहेंगे आप सब लोगों के साथ रहे और शिक्षा को स्तर को अलग अलग विभिन्न तरीके से उसको बढ़ाने के लिए हम देश भर के अलग अलग रिसोर्स पर्सन, अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर सब लोग मिली कोशिश करें देश का ब्लाइंड और लो विजन बच्चों के लिए किस प्रकार के शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसमें जोड़े मेरे समूह फैकल्टी ऑर्गेनाइजर हमारे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सबको मैं बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और आप सबकी मैं चाहता हूँ आप सबकी शुभेच्छा बनी रहे, आप सबकी साथ बनी रहे कि इस प्रकार की प्रोग्राम जो है हम हमेशा आगे पूरी साल भर करते रहे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से हमने सुना हमारे निदेशक महोदय ने कहा कि बहुत सारी बातें होनी है और उसके बाद में जो हम COVID-19 की तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ गवर्नमेंट की भी कुछ गवर्नमेंट के नियम्स आएंगे और कुछ उनके रूल्स होंगे, उन पर बात करेंगे, चाहे टीचर्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों, सभी लोग उस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन बात करने वाले हैं ये चीज सही है और तैयारियां भी करनी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरह से इस वेबिनार की शुरुआत की है और आपने जिस तरह से एक मार्गदर्शन दिया है हम सभी को, इसके लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स एंड स्कूल एंड दैट टू फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट एमिनेंट स्पीकर ऑफ दिस वेबिनार इज श्री कमलवीर सिंह जग्गी सर, हु हिमसेल्फ इज इन टीचिंग सिंस 1992। ही वाज टीचिंग साइटेड स्टूडेंट्स एंड सिंस 2008 he was principal of MSVS with special students. So we would like to hear from our eminent speaker that what are his views, how he takes the things focusing on students. Now I would like to invite Sri Kamalbir Singh Jaggi sir. Sir. All right. Thank you, Naresh ji. Am I audible? Hello. Can you hear me? You are audible, sir. Yeah. Okay. Honorable Director, sir, our school team and all the officials from NIEPVD, it's a great opportunity to be a part of this webinar, as the topic given here is very, very relevant and relates to all of us, teachers, students, staff, hostel staff, everyone, because if we really arrive at some kind of guidelines, these guidelines will certainly help us to welcome our students when they join us later. But before I begin my discussion, let me share something interesting with you in the beginning. Day before yesterday, India Today channel had telecast a very interesting survey report. They had conducted a survey with 12 questions, and the response to all these questions was different. But the relevant question for us here is as to what should be the appropriate time for reopening of schools. This survey was conducted by them and the report was put up on the channel, and a panel of experts was also invited to discuss this report. And very interestingly, this question, the first question as to when should be the appropriate time for reopening schools, there were varied answers. 48% people said
that 48% people said that about 3 months time should be the right time for reopening schools. About 36% people said that 6 months time should be appropriate for reopening the schools. About 14 to 15% said that 1 year time should be the appropriate duration for reopening the schools. And the last answer is very, very interesting. About 3% people said that schools should never be reopened. This is interesting because I think this particular group of 3% might have consisted of those students who shirk from studies, or all those pessimists with negative approach who believe that this troublesome period would never come to an end. So I don't, nobody would, in fact, no sane person would agree with this 3% group. And the most appropriate answer, I think, is the first one, where the 48% people say that about 3 months' time should be the appropriate time when the school should reopen. So let's proceed with this first option and assume that the schools are going to reopen sometimes in the month of September. And this sounds more logical for the time being, because everyone is working around to really plan some kind of a procedure, work out some kind of a procedure so that the schools reopen as soon as possible, keeping in mind the safety of students also. So let's begin now. My first suggestion would be that whenever we reopen school, it should be in total compliance with the government orders. We should not show any kind of departure from the government orders. It should be in total compliance with the government orders. Whenever they say school should not open before that, that should be the first point that we should bear in mind. Secondly, if possible, a week later should be appropriate for our special schools, so that this time of about a week or 10 days would enable us to really see as to how the things are working and how the other schools are performing. Are they really facing any problems, or is everything going on fine in other schools? So I think I should advise that our schools, special schools, should reopen 1 week after all the other schools are open. Then next, parents and all these assumptions that I'm making here are meant for our kind of school, the school that we are running, special schools for the visually impaired. So I've planned out accordingly. All these points are relevant for those who are running schools for visually impaired. My next point is that parents and guardians should not, under any condition, be allowed to stay in the hostel even for a short period of time. They should be asked to drop their child here and leave as soon as possible. They should not be allowed to use the hostel facilities as well as mess facilities. This is primarily because of the safety of their own wards and even their safety, the safety of the parents and guardians. So as soon as they leave the students, they must go back. Then when the students join hostel, I have begun with the hostel facility first. We must ensure that the beds and cupboards of all the students in the hostel are segregated as much as possible. More than normal gap has to be created among beds and cupboards, if we can do so, if the cupboards are not fitted in the walls. Then we have to issue
instructions for the students which they have to follow very, very strictly. First of these instructions should be that they are not supposed to use the belongings of each other. Hostlers generally have this tendency of sharing things with each other, so they should not be using belongings of each other. And they are also not to share things, even their study material also. They should not be sharing any of these things. We must ensure, and whenever we notice that they are doing so, we have to check this. Our hostel staff and other staff will have to check this. Then all of you would agree with me that we have noticed a tendency of our visually impaired students to walk around hand in hand in pairs and groups. They have to avoid this. Walking around hand in hand in pairs and groups is not to be done. It has to be very, very strictly followed. Is it possible for us to give them folding sticks, particularly the B1 category, so that they learn to be self-dependent in mobility? They should not be walking hand in hand, so they must learn to be mobile themselves. They have to be self-dependent. For this, we can take an initiative in providing walking sticks, folding sticks to all of them, particularly the B1 category. Then, since this troublesome time gives us this opportunity, we must try to really give them other mobility skills also with the help of this walking stick, and otherwise also, what should they keep in mind while walking here and there, etc. You must have noticed that visually impaired students and even the older ones touch walls and doors. We cannot really avoid touching walls, etc. So this is not to be stressed, I must make sure. We cannot avoid this because they have to keep their safety in mind, as well as they have to bear that they don't bang against anything, against wall, against door, etc. So this should not be stressed that they should not touch anything. They have to touch. They have to touch the wall. They have to touch the door, etc. Then we move on to the mess. For mess, we have to have a very calibrated program and very, very calibrated mess timings in smaller groups or even class-wise, so that a large number of students do not gather in the mess together, and so that no such problems of staying together, etc., because of staying together, etc., occur. This has to be largely dependent on the availability of space in the mess. Accordingly, we have to plan. Then we come to school. No assemblies to be conducted, as we've already done this earlier also, and we have ensured that students do not gather in the assembly hall. Similarly, no gatherings in large groups is to be allowed. And there are some classes in our school, schools for the visually impaired, which have a large number of students. These classes, I believe, can be conducted in bigger halls, like our assembly hall. We will not be using that for assembly, but we can use that hall for conducting classes having large number of students. Then, once these classes with large number of students are vacant, because the students will be sitting in the hall, their classrooms may be utilized for dividing the class, other classes, in smaller groups. Teaching learning can be activity oriented, and these classrooms to be used for dividing other classes
will help in containing the groups. Groups have to be smaller in size. As you all know, CBSE has already announced that teachers are at liberty to plan their teaching learning syllabus for the whole year from class 1 to 8. And from 9 to 12, CBSE are cutting down the syllabi by at least one third. So the teachers won't have to worry about covering the syllabus in time, as one third of syllabus will be cut down by CBSE from class 9 to 10, 12. So all these points and many more will certainly help us ensure the safety of students from this invisible disease that we are confronting all of us the world over. Many more points will come up, and I believe we must have a meeting before the school actually reopens, and we will plan much more than this when the schools reopen, so that we ensure the safety of students and well-being of students. I believe this should suffice for the time being. I would also like to hear other speakers on this. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for all your valuable inputs. जिस तरह से आपने बताया और बहुत इलेबोरेटली आपने बताया कि किस तरह से हमें तैयारी करनी होगी और क्या करना होगा. जहां तक आपके टॉक्स की बात थी, तो आपने कहा कि कोई भी चीज हो, हमें गवर्नमेंट के कंप्लायंस को लेकर बात करनी होगी. अगर स्कूल्स खुलते हैं बाकी और उसके बाद में, उससे कम से कम एक हफ्ते के बाद में, हमें स्पेशल स्कूल्स के ऊपर ध्यान देना होगा. आपने हॉस्टल की बातें की, आपने स्कूल की बातें की, आपने क्लासरूम्स की बातें की, आपने मेस की बातें की. थैंक यू वेरी मच सर फॉर ऑल योर वैल्यूएबल इनपुट्स. अब इसी वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इनवाइट डॉक्टर जसमेर सिंह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर ICTC TVH NIPVD. सो ही इज मोस्टली ही विल बी स्पीकिंग ऑन रोल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स और विद एजुकेशन, हाउ वी शुड कैरी ऑन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स with the teachers and principals mostly. तो आइए सुनते हैं डॉक्टर जसवीर सर को कि वो क्या कहते हैं और उनका क्या मानना है. डॉक्टर जसवीर सर. नमस्कार सर, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़े. सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के आयोजक, वाइस प्रिंसिपल और पैटर्न डायरेक्टर हिमांशु दास जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने नेशनल लेवल पर जो स्कूल की टीम को इस प्रकार से तैयार किया कि विजुअली इम्पेयर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके आने वाली प्रॉब्लम्स को एक मॉडल के रूप में NIVS प्रेजेंट करके सबको बताई. तो जो विषय है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं आज के इस वेबिनार के, वो सभी न सभी ब्लाइंड बच्चों के साथ बहुत अच्छी प्रकार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल रूप से इम्पैक्ट की बात करें, एजुकेशनल जो पॉलिसी है, प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या भारत सरकार की जो विभिन्न मंत्रालय की डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, वो क्या करने जा रही है COVID-19 के दौरान, जो बदलाव आए हैं हमारे पढ़ाई लिखाई के मेथड्स में, एजुकेशन में, टीचिंग मेथड्स में, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग, इवन असेसमेंट, इवन बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है. अगर COVID-19 का ये दौर, जैसे कि हम अनलॉक 2 में हैं, अनलॉक 3 में अगर क्लासेस स्कूल में लगती हैं और पहले की तरह बच्चे रेगुलर स्कूल्स में आते हैं, तो प्रिंसिपल के क्या रोल होंगे, विषय के ऊपर हम जानने का प्रयास करेंगे. इसमें हमें जानना पड़ेगा कि COVID-19 के तहत जो सामाजिक परिवर्तन आया है फिजिकल डिस्टेंसेस का, उसको अपनाना पड़ेगा. बच्चों को क्लासरूम, बच्चों को हॉस्टल से लेकर क्लास में आने या घर से लेकर एक विद्यालय में आने और क्लास में बैठने तक का जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें चेंज लाना पड़ेगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क से लेकर सैनिटाइजर्स और डिफरेंट प्रकार के जो केमिकल्स आज आ चुके हैं मार्केट में, जो कि पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है, उनका कम से कम यूज कैसे किया जाए, पेरेंट्स और पीयर ग्रुप्स और सिबलिंग के साथ मिलकर किस प्रकार से तैयारी की जाए कि एक बच्चा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एजुकेशन ले पाए.
ये नॉर्मल बच्चों के साथ बड़ा सहज है कि हम ये सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड को करने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे का मोबिलिटी स्किल्स को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए NIPVD देहरादून का जो मॉडल स्कूल है वो अपने आप में एक मॉडल है। आप इस स्कूल के माध्यम से सीख पाएंगे और अपना पाएंगे अपने विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल्स में कि किस प्रकार से हॉस्टल से लेकर विद्यालय की कक्षा में आने से लेकर उनके पढ़ाई और बेंच पे बैठने तक के जो भी नियम इन लोगों ने बनाए हैं हम उनका अपने आप स्कूल में पालन करें और उनको मॉडिफाई भी करें जो सामाजिक नीड्स है, अपने क्षेत्र की नीड्स है उनके मुताबिक। जैसे हम देखते हैं कि टीचर ट्रेनिंग बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो RCA से एफिलिएटेड हैं, वहाँ के कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, वहाँ के लेक्चरर्स और वहाँ के मेंटर्स अपना बहुत अनुभव रखते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के क्षेत्र में और नई नई पॉलिसी और रिसर्चेस कर रहे हैं, नया नया इनोवेशन उनके पास है। हम उनके साथ जुड़कर भी इस COVID-19 के बाद जो विद्यालय में आने वाले छोटे छोटे इश्यूज हैं जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के हैं उनको बनाकर एक नया SOP अपने अपने विद्यालय का बना सकते हैं। लेकिन NIPVD देहरादून के मॉडल स्कूल के द्वारा बनाया गया SOP भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपने अपने क्षेत्र की अपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उनको फॉलो अप में ले सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग्स के जितने भी हमारे ट्रेनीज अभी आ रहे हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार से तैयार किए जा रहे हैं, आज के जितने भी ट्रेनीज हैं वो ऑनलाइन सिस्टम के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। ये सभी टीचर्स ऑनलाइन सिस्टम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व में एक दौड़ है कि ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट किया जाए, तो हमारे लिए जरूरी है कि ब्लाइंड बच्चे किस प्रकार से असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से बैरियर फ्री हो और मोबिलिटी की जो स्किल है उसको हम प्रत्येक बच्चे को किस प्रकार से दें, उसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। इस माहौल के लिए जो सभी हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, पेरेंट्स हैं और सिबलिंग्स हैं कि हम उनको ट्रेन करें। स्पेशली ब्लाइंडनेस की जो तीनों कैटेगरी है, टोटल ब्लाइंड, लो विजन और पार्शियली साइटेड, उन तीनों के लिए जो जो अवेलेबल हमारे पास मटेरियल है, चाहे वो NIVH के द्वारा प्रोवाइड किया गया मटेरियल है या विभिन्न अन्य संस्थाओं के द्वारा प्रोवाइड किया असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मटेरियल है, आज हमें जरूरत है कि हम अपने अपने विद्यालय में उनके छोटे छोटे ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखें और COVID-19 के तहत उनमें किस प्रकार से नए नए बदलाव हम ला सकते हैं ताकि बच्चा कम से कम उसको यूज करना सीख पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उसको आगे से ले पाए। मैं ये अपनी स्पीच हिंदी में दे रहा हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें हिंदी क्षेत्र के जुड़े हुए जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, वो हमारे इस बात को समझ पाएंगे और जो दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस के टीचर्स हैं हम प्रयास करेंगे कि इसको हम अंग्रेजी में भी इस मॉडल स्कूल में प्रोवाइड करवा पाए ताकि वो अपने किसी तरह से इसको लर्न कर पाए। बेसिक जो हमारे लिए चैलेंज है वो है प्रिंसिपल के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ टीचिंग को दोनों को एक साथ लेकर कैसे चले, क्योंकि एग्जामिनेशंस के बारे में CBSE के नॉर्म्स को अगर हम देखते हैं या फिर इनसे बड़ी जो हमारी बॉडीज है MHRD के अंदर आने वाली, चाहे वो UGC है या AICT है या फिर MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या BCI की हम बात करते हैं या इवन स्पेशल एजुकेशन में RCA की बात करते हैं, तो ये सभी कोलैबोरेटिव होके आज हमें टीचर कैसे तैयार करने हैं और टीचरों को ट्रेनिंग कैसे देना है उन सब के ऊपर कार्य कर रहे हैं। ये एक फेज पहला स्टार्ट किया गया मॉडल स्कूल के द्वारा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रीओपनिंग ऑफ स्पेशल स्कूल्स, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। और समय इससे पहले भी एक प्रयास किया गया था तेलंगाना के द्वारा, तेलंगाना के जो SPD है उनके द्वारा, कि स्पेशल स्कूल्स के जो ब्लाइंड बच्चे हैं और लो विजन के बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन में जो कैसे कराएं, जो साउथ इंडिया के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो तेलंगाना गवर्नमेंट से संपर्क करके उस चीज को सीख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिफरेंट प्रकार के जो सीरीज वाइस प्रिंसिपल और उसकी टीम के द्वारा तैयार की गई है और NIVH के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तैयार की गई है, आप जुड़ेंगे, सीखेंगे तो हम वाकई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हुए अपने विद्यालय में जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है वो लेकर भी आएंगे और न्यू इनोवेशन जो पूरे वर्ल्ड में हो रही है उनको हम स्टडी भी कर पाएंगे। मैं दोबारा से इस कार्यक्रम में हमें एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाने के लिए पूरी इनकी टीम को और ऑर्गेनाइजर को थैंक यू करना चाहूंगा और चाहूंगा कि NIVH विजुअल इम्पेयर्ड की जो नीड्स है उनको समझते हुए नए नए प्रकार के अपने प्रयास इसी प्रकार से करता रहे। थैंक यू।
डॉक्टर जसवेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने एक विस्तृत तरीके से बताया और आपने जो बताया कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमको करना होगा, और जो सबसे बड़ी चैलेंज आपने बताई वो आने वाले टाइम में कि प्रिंसिपल्स के लिए एक चैलेंज वो इसलिए होगी क्योंकि उसमें उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है और साथ में एजुकेशन भी देखनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। अब क्या आपने सोचा है कभी कि स्कूल खुल गए, सब कुछ हो गया, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलने लगी, स्टूडेंट्स भी आ गए, लेकिन उनकी मनस्थिति क्या होगी, उनका किस एक मेंटल स्टेट क्या होगा उनका, व्हाट दे विल बी थिंकिंग एट दैट टाइम व्हेन द स्कूल रीओपन्स आफ्टर अ लॉन्ग गैप विद दिस एडवर्स सिचुएशन, आई शुड से एडवर्स सिचुएशन, इसके बाद में जब उनका स्कूल खुलेगा, जब सब मिलेंगे, क्या उनकी मनस्थिति होगी, क्या पेरेंट्स सोचते होंगे और किस तरह से टीचर्स सोचते हैं उनको स्टूडेंट्स को लेकर, इसी पर विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं अभी हम सभी के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं डॉक्टर एस के धालवाल सर को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी NIPVT देहरादून में ही कार्यरत हैं, और उनका एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो हम बहुत सारे वेबिनार्स में उनको सुनते हैं, उनकी उनके जो रिसर्च और उनकी जो जितने भी उनकी आइडियोलॉजी है, आइए उनको सुनते हैं। डॉक्टर एस के धालवाल सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने स्कूल ने ये मौका दिया कि मैं आपके सामने अपने वक्तव्य को रख सकूं। निश्चित रूप से COVID-19 ने हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया है, तो चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था या फिर हमारे मन की व्यवस्था हो, मन की व्यवस्था को भी अस्त व्यस्त करने में इसने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। हर चीज के अपने पहलू होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। COVID-19 के भी अपने पॉजिटिव, जहां ये चुनौतियां लेकर के आया वहीं ये अवसर लेकर के आया है। उन्हीं अवसरों में से एक अवसर ये भी है कि भी आज हम लोग सभी लोग इस वेबिनार के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। मैं डायरेक्टर साहब का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा, हिमांशु सर का, कि उन्होंने इस विषय पे इस वेबिनार को करने के लिए एक स्वीकृति दी, एक विचार दिया, और प्रिंसिपल सर और अमित शर्मा सर और नरेश नयाल जी, आप इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन एक विषय, यानी कि हम एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि भी जब स्कूल खुले तो क्या हो, है ना। तो मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने अभी 2-3 शब्दों में लिखी है, अगर मैं उसको शेयर कर पाया तो मैं शेयर करता हूँ। तो बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक मंथन मेरे ख्याल से इसमें आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम देखें तो किस तरह के चैलेंजेस हम देख समझ पा रहे हैं इस कोरोना काल में, जो कि हमारे जो दिव्यांगता है उसके लिए क्या चीज कंसर्न है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहला तो मैं मानता हूँ कि दिस इज बैरियर टू इम्प्लीमेंटिंग बेसिक हाइजीन मेजर्स, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब की बात कर रहे हैं। और जहां दिव्यांगता की बात होती है तो वहां पे ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज आ जाता है कि हम किस तरीके से इस जो हाइजीन मेजर्स है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। और क्योंकि हाइजीन क्योंकि हमें कंटेमिनेशन का एक फियर कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंड्यूस करती है, तो ऐसे में हमें ये जो डर कि भाई हम कंटेमिनेट ना हो जाएं या हमसे कोई और कंटेमिनेट ना हो जाए, इस चीज का डर और दिव्यांगता में इस डर का होना कहीं ना कहीं अधिक समझा जा सकता है, और इसका होना स्वाभाविक भी है। फिर जो एक डिफिकल्टी हम देखते हैं कि भी डिफिकल्टी इन एनेक्टिंग सोशल डिस्टेंसिंग बिकॉज ऑफ एडिशनल सपोर्ट नीड्स, हमें दिव्यांगता है और दिव्यांगता चाहे वो अस्थि दिव्यांगता हो, चाहे वो हमें विजुअल इम्पेयरमेंट हो, हमें इन सारी कंडीशंस में हमें एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और जब हमें एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है तो हम किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को
का पालन करें, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ जाता है। जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने भी अभी बात सही आपको उठाया, तो ये निश्चित रूप से एक चैलेंज होगा। और जब भी हम चैलेंज की बात करते हैं तो मनस्थिति के ऊपर वो अपना असर डालती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस हमारे गोल अचीवमेंट में बाधक बनते हैं और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं, और हमें अपने गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं एक रुकावट बनते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी का भी पालन हो, और हम जो एडिशनल सपोर्ट हम किस तरह से करें, इसको भी इस नीड को भी हम फुलफिल कर पाए। जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा भी, जब हम ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की तरफ हमें उन लोगों को सोचना होगा, उन लोगों को अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अंदर कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंट करना होगा, ये कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो और मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग या फिर सोशल सपोर्ट भी हम दे पाए। इसका किस तरह से इस चीज को सम्माहित किया जा सके, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एक चीज है कि नीड टू टच थिंग्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दिव्यांगता है, दृष्टि दिव्यांगता है, हम अपने स्पर्श से सुनने से हम जो अपने वातावरण को जो है एक्सप्लोर कर पाते हैं, हमें हमारे लिए एक्सप्लोर करने का यही एक मुख्य जरिया होता है। चाहे हम ब्रेल पढ़ रहे हैं, ब्रेल बुक्स पढ़ रहे हैं, तो जब हम ब्रेल लाइब्रेरी में ब्रेल बुक्स को पढ़ रहे हैं, तो वहां पे किस तरह से हमें एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा ताकि हम कंटेमिनेशन से बच सकें, और ना हम खुद कंटेमिनेट हों और ना ही हम किसी दूसरे को कंटेमिनेट करें, हम इस कोविड जैसे या कोई और भी इस तरह की वायरसेस से बच सकें। तो हमें इस बात को सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा, हमें प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं डेवलप करना होगा कि भाई जहां टच जो है वो बहुत ही एक सशक्त माध्यम है एनवायरमेंट को जानने का, एक दृष्टि दिव्यांग के लिए जहां पे हमें ब्रेल जो है, ब्रेल अपने आप में ही स्पर्श लिपि जो है वो इंपॉर्टेंट एक लिपि है। जब हम लाइब्रेरी में इसका इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से इस्तेमाल हो, इसके ऊपर विचार करने, इसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता होगी। फिर हम देखते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन और केयर है उसको एक्सेस करने में भी जो दिव्यांग जन है उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जब स्कूल्स में आएंगे तो जो हेल्थ की जो नीड है उसको किस तरह से वो फुलफिल करें, उसको कैसे वो प्राप्त कर सकें, कैसे वो एक्सेस कर सकें, तो इसीलिए इसके लिए भी हमें स्कूल को जो है कहीं ना कहीं तत्पर होना होगा, तैयार होना होगा, और उसकी तैयारी हमें करनी होगी ताकि बच्चों को प्रॉपर हेल्थ, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो, उसके ऊपर हम हमें ध्यान देना होगा। फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, चाहे किसी को जो है एपिलेप्सी की कंडीशन हो या फिर किसी को और कोई इन्फेक्शन या एलर्जी या कुछ और हेल्थ की कंडीशंस, चाहे वो डायबिटीज हो, वो इस दौरान केवल इस वजह से ना बढ़ जाएं कि बच्चे जो है वो अगर डरते हैं इस बात को लेकर कि भी कहीं मैं खांसूंगा तो जो है, या मैं अपने बुखार को शो करूंगा तो शायद कहीं मुझे आइसोलेट ना कर दिया जाए, कहीं मुझे क्वारंटाइन ना कर दिया जाए, तो इस तरह के जो भय की स्थितियां हैं, हम कैसे अपने बच्चों में उस विश्वास को जगा पाए, उसको बढ़ा पाए, ये कहीं ना कहीं हमें उसमें ध्यान देना होगा। कुछ चीजें जो मैं समझता हूँ कि भी जो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, वो ये कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और हम सैनिटाइजेशन हम उसको फॉलो कर सकें, इस रूल को भी हम फॉलो कर सकें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्कूल को, हर स्कूल को एक कमेटी कहीं ना कहीं फॉर्म करनी चाहिए, जो कि फिलहाल कुछ समय के लिए, इवन पोस्ट कोविड और स्कूल ओपन होने के बाद भी कुछ समय तक जो है इसको हम ध्यान में रख सकें, निगरानी कर सकें और थोड़ा सा सावधानी बरत सकें, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं स्कूल्स के अंदर कुछ टीचर्स या वार्डन्स को लेकर के कोई कमेटी हमें गठित करनी चाहिए, जिसमें कि वो कमेटी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, यानी कि
बच्चे कहीं और से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, इसके इसके बजाय बच्चों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सके कोविड से संबंधित, इंफेक्शन से संबंधित, तो उसके लिए कोई स्कूल की एक कमेटी होनी चाहिए जो कि हर रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपडेट्स जो है अपने बच्चों को दे सके या प्रॉपर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बच्चों को दे सके, ताकि बच्चे जो है मिस इंफॉर्मेशन और जो अफवाहें हैं उनसे बच सके। तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक संदेश ये देना होगा कि ये हमारी कमेटी है और ये कमेटी ही जो आपको साइंटिफिक और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगी, यानी कि बच्चों में अगर कोई क्वेरी रहती है कोविड को लेकर के या इन्फेक्शन को लेकर के, तो उस क्वेरी का समाधान कर सके उसके लिए एक एक साइंटिफिक कमेटी कहीं ना कहीं स्कूल की होनी चाहिए। उसी तरह से स्कूल की अपनी जो है सैनिटाइजेशन एंड डिसिप्लिन कमेटी, जो कि कोविड को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमें फॉर्म करने की जरूरत है, जो कि कुछ समय के लिए आफ्टर स्कूल ओपनिंग जो है इस बात को ध्यान दे सके, इसको इंश्योर कर सके कि बच्चे जो है वो, क्योंकि ऐसा बहुत ही कठिन होगा कि बच्चे जो है दृष्टिबाधित बच्चे किसी को स्पर्श ना करें, यह बड़ा मुश्किल होगा, किंतु हम हमारे टीचर्स, हमारे जो केयर टेकर्स, हमारे हॉस्टल वार्डन्स इस बात को थोड़ा सा, यानी कहीं ना कहीं एक एम्पैथी की आवश्यकता होगी सभी टीचर्स और सभी जो केयर टेकर्स हैं उनके लिए, कि वो जो है एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड लेते हुए रखते हुए बच्चों पे नजर रख सके, बच्चों को थोड़ा सा हैंड हाइजीन और जो पर्सनल हाइजीन है उसको बारे में अवेयर करवाते रहें, हैंड सैनिटाइजेशन को रिपीटेटिव हैंड वॉश और इस तरह की, या और साफ सफाई के बारे में जो है बता सकें, उसको चेक कर सकें, गाइड कर सकें। तो ये एक कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज का जिक्र होना चाहिए। फिर हेल्पिंग एटीट्यूड कहीं ना कहीं हर बच्चे को एक तरीके से टॉप डाउन प्रोसेस के तरह तहत कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है, जहाँ पे प्रिंसिपल से लेकर के फिर उसके बाद टीचर्स और उसके बाद फिर वार्डन्स, उसके बाद सीनियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जूनियर स्टूडेंट्स, यानी कि हर कोई अपने से नीचे ध्यान रख सके, उनको गाइड कर सके, उनको हेल्प कर सके, छोटी छोटी बातों पे को के मद्देनजर उनको जो भी डिफिकल्टीज आ रही है उसका उसकी जांच कर सके और उसको तुरंत निराकरण कर सके। कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग एटीट्यूड जो है हमें रखना होगा, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। बच्चे जो है फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की प्रोसेस रही है, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के चिंतित होंगे कि भी एक कंफ्यूजन के स्टेट में होंगे कि अब स्कूल खुलेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, पैटर्न क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जब भी हम स्कूल खुलने से पहले ही बच्चों को जो है इस तरीके की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत बच्चों को वो इंफॉर्मेशन, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे स्कूल के हर एक बच्चे को, चाहे वो क्लास टीचर के माध्यम से किया जाए, हर एक बच्चे को इंश्योर किया जाए, उसको एक विश्वास दिलाया जाए और बताया जाए कि क्या पैटर्न होंगे, क्या चीज होंगी आने वाले समय में, किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या कोर्सेज होगा, कितना सिलेबस होगा, आदि आदि, है ना। कंफ्यूजन स्कूल के अंदर इस समय पे, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो कोविड 19 या इस संक्रमण कहीं ना कहीं पूरी जूझ रहा है, ऐसे में केयर टेकर्स हैं, बच्चों के जो केयर टेकर्स हैं वो चिंतित होंगे, हो सकता है उनमें से केयर टेकर्स जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ग्रसित हों, उनको संक्रमण हुआ हो, तो बच्चे जो है इस बात से चिंतित हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कुछ समय के लिए जरूर जो स्कूल के अंदर एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ताकि बच्चों का यह आवश्यक नहीं है कि भी हम बच्चों को मेंटल पेशेंट समझ करके ट्रीट करें, लेकिन बच्चों को जो है उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सिंपल जनरल काउंसलिंग जो है उस वो सेशन समय कंडक्ट करने चाहिए, हर बच्चे से एक तरीके से आत्मीयता के साथ जो है उनके साथ बात करने की आवश्यकता रहेगी, कुछ समय तक कुछ सेशंस
क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का एक जो हवा मैं कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रमोट कर दिया जा रहा है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर हो, है ना, इन सब चीजों को इंश्योर किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को कम करने के लिए बच्चों के बीच में चाहे वो वेबिनार बेस्ड एक्टिविटी हो या रेडियो बेस्ड एक्टिविटी हो या टेलीफोनिक एक्टिविटीज हो या डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कुछ कल्चरल एक्टिविटीज या कुछ इस तरह के चीजें गतिविधियां हम लोग प्रमोट करें ताकि बच्चों को जो भी डिस्ट्रेस है उससे बाहर निकाला जा सके और डिस्ट्रेस में ना जाएं, उस आइसोलेशन में ना चले जाएं बच्चे, उसका हम लोग ख्याल रख सके। तो कुछ इस तरह की बातों का हमें ध्यान रखना होगा। इसके लिए स्कूल को चाहिए कि वो किसी ना किसी, अगर उनके पास अपने रेगुलर साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज किसी ना किसी जैसे बहुत सारी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस भी खुल रही हैं, निपवेड की अपनी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी है, अगर इस तरह की कोई समस्याएं आती हैं तो निश्चित रूप से अपने आसपास या जो भी एक्सेसिबल, जो भी अप्रोचेबल आपका मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर अगर है तो उससे कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको अपने SOP के अंदर मेंशन करने की आवश्यकता होगी। मैं अपनी वाणी को यही इन्हीं बातों के साथ विराम दूंगा। आई थिंक अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर SK धालवाल सर। जिस तरह से आपने बताया कि एक डर जो मन में है कि टच करने से क्या होगा और किस तरह से होगा, आपने कहा कि स्टाफ और टीचर्स को थोड़ा एम्पथेटिक होकर काम करना पड़ेगा, कमिटी एक बनाकर ताकि उनको पॉजिटिविटी उनके बीच में ले जाया जाए और जो पॉजिटिव चीजें हैं उन तक पहुंचाया जाए और एक न्यूज जो ऑथेंटिक हो वही उनके बीच में ले जाया जाए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ऑल इनपुट्स। जिस तरह से आपने इतनी इतनी सरल और सहजता से बताया, आपका एक बार पुनः धन्यवाद। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस SOP एंड रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, दैट टू स्पेशल स्कूल्स, इट कम्स व्हेन अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद एंड हु इज एडमिनिस्ट्रेटिंग वन स्पेशल स्कूल has some different way of talking, has some different scenario, has some valid points to authenticate this topic. Now for this I would like to invite the officiating principal of MSDH, Sri Amit Sharma. Sir. Thank you Naresh sir, and good afternoon everyone, as we are virtually gathered for the webinar on standard operating procedure for reopening of special schools. I thank all of you for joining us. During the pandemic of COVID-19, the special school reopening is a big challenge. There are approximately 21 lakh children with special needs from class 1 to 2 and about 500 special schools. Some are supported by the government, while many are registered NGOs or private institutions. It is uncertain as to when the school will reopen. Honorable HR Dr. Physical opening of school will not take place till August 15, 2020. So light upon standard operating procedure reopening of special school. First point is school entrance. Place thermal scanner at each gate to check body temperature before entering school premises, providing face mask to all the students. Then install alcohol hand rub, wash basin or hand sanitizer at the entrance of each gate and ensure hand sanitization. All the VI students must be given mobility cane to maintain social distancing. Next, ensure sanitization of school or any school premises. Allow only one child at a time to enter through the gate. We can follow same protocol with any other outsider. Check body temperature and
sanitize hands of students before leaving school premises, ensure maintaining visitors register to record necessary details, high contact surface, clean high contact surface such as elevator, buttons, handrails, handles and call buttons, counters, equipment like telephone, printers, scanners and other office machines, table tops, chair handles, pens, diaries, keyboard, mouse and mouse pad every 2 hours by mopping with a linen or absorbable cloth soaked in 1% sodium hypochlorite solution. Put notice throughout campus on frequent hand wash, ban on spitting, social distancing norm, strategy to emotionally bond or contact and online learning. Corridors. Create different routes to classroom to ensure social distancing. Proper sanitization of drinking water area and taps. Mop all indoor areas such as lobbies, corridors, and staircases, elevators, security guard booths, classrooms, canteen, with a disinfect of at least 1% sodium hydrochloride every 4 hours. Ensure all sanitization staff wear appropriate personal protective equipment while cleaning, including heavy duty gloves, rubber boots, and triple layer mask. Now, regarding school assembly and other events, suspend all activities regarding presence of more than 20 students, such as common assembly, sports, etc., in case an outbreak is detected in a school. Outdoor activities may be modified, so as also activities during school period. Continue information dissemination through virtual announcement system. We can begin class activity where important hygiene process is taught, including hand hygiene, respiratory hygiene, food hygiene, and other assembly functions are performed. Ensure parents-teacher meeting are conducted online or through telephone in such a scenario. Classroom teaching, keep a mandatory safety kit, sanitizer, alcohol, hand rub, mask, gloves in each classroom. Ensure teachers maintain 6 feet distance while teaching. Open all windows and air vents to let sunlight and fresh air. Ensure teacher sanitize hands before entering new classroom. Check notebook and paper assignment through minimal contact by using technology such as Braille project or Braille assignment, etc. Classroom seating. Ensure seating is such that at least 3 feet distance is maintained. Minimum 3 feet. Split group desk in classroom to encourage social distancing in other words, physical distancing among children. Ring school bell every 2 hours to wash or sanitize hands, keeping in mind social distancing or physical distancing. Now I am going to classroom activities. Firstly, ensure minimal movement within school, such as students moving to laboratory or library. Practice executing such activities within classroom. In case such common area are visited, disinfect all touch point before inviting new class. Next, we should avoid activities that involve physical contact. In case games and sports such as chess, snake and ladders, puzzles,
for visually impaired students are being played, ensure proper sanitization before and after use playing equipment. Let me tell you that these are only my suggestions, and I hope I have made myself clear regarding the issue taken up for today's webinar. In the end, I would like to thank everyone. Thank you, Naresh sir. Thank you, Jasmer sir. Thank you, Dhalwal sir. Thank you, Kamalbir sir. And I am very thankful our director, Dr. Himanshu Das sir. And thank you everyone once again for being a part of this webinar. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. जिस तरह से आपने डिटेल में एक एसओपी जो सभी के सामने रखी, स्टैंडर्ड जो एक आपने बना रखा है, और जिस तरह से आप स्टूडेंट्स के साथ में काम कर रहे हैं, और आपने बहुत इलेबोरेटली एंट्रेंस से लेके क्लास कंडक्ट करने तक और उसके बाद स्कूल में जो इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज है वहां तक हम सभी को बताया, जितने भी वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स हैं, और सभी को आपने इसकी इसके बारे में बताया. आपका एक बार मैं पुनः धन्यवाद करूंगा. और अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मिस मंजू मैम को, पीजीटी. मिस मंजू मैम. धन्यवाद नरेश नयाल सर. मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंजू पीजीटी आदर्श विद्यालय एनआईपीवीडी आपके समक्ष उपस्थित हूं. मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे निदेशक महोदय जी का, डॉक्टर हिमांशु दास जी का, जिनके बहुमूल्य विचारों के लिए, जिनके मार्गदर्शन में यह वेबिनार संभव हो पाया है. तत्पश्चात मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री कमलवीर सिंह जी जग्गी जी का, जो कि प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर एंड DSENR NIPVD हैं. साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर जसमेर सिंह जी का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंचार्ज TCTVH निपवेड हैं. डॉक्टर SK ढालवाल जी, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार हम सभी के समक्ष रखे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी. वे असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं निपवेड में. और श्री अमित शर्मा जी, जो कि उप प्रधानाचार्य हैं मॉडल स्कूल के निपवेड में. और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री नरेश नयाल जी का, जो कि मॉडरेटर के रूप में आज हमारे साथ उपस्थित रहे. ये हमारे विद्यालय में PEI NIPVD में कार्यरत हैं. साथ में सभी वेबिनार के साथ जुड़ने वाले पार्टिसिपेंट और प्रतिभागियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी. और अंत में धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे तकनीकी टीम का, जिनके बिना यह वेबिनार का सफलतापूर्वक संपन्न होना संभव ही नहीं हो पाता. इस टीम में हमारे साथ शामिल है श्री अमित सिंह जी की, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, और श्री शुभम कनौजिया, जो कि विशेष शिक्षक के तौर पर हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं. धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए. आदर्श विद्यालय द्वारा आप सभी का धन्यवाद किया जाता है.